हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप आई एम प्रदीप कुशवाहा स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग स्पेशल अटेंशन ऑन टेंसेस अर्थात टेंस पर विशेष फोकस करेंगे टेंस में भी कुछ ऐसे एक्सेप्स होते हैं अपवाद होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि यह फ्यूचर टेंस में है या प्रजेंट टेंस में है, या कॉन्टीन्यूस टेंस में है तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे कुछ फ्यूचर टेंस होते हुए भी उनको हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन कॉन्टिनुअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्यूचर में निश्चित समय पर होने हैं जो कार्य फ्यूचर में एक निर्धारित समय पर होना सुनिश्चित है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिनुअस टेंस का प्रयोग जो कार्य निश्चित हैं और ड्यूरेशन में होने हैं अर्थात कुछ समय बाद होने हैं उसको हम लोग प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में रखते हैं और जो रिसेंटली होना है जो अभी भी होने ही वाला है जस्ट नाव उसको हम लोग प्रजेंट कॉन्टिनस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं डिटेल में जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के संबंध में प्राय अधिकांश विद्यार्थी क्रिया में गागी के लगे होने को ही फ्यूचर टेंस मान लेते हैं जबकि उनमें से प्रत, अनेक कार्य फ्यूचर टेंस में नहीं होते टेंस के चैप्टर में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में उसके चारों रूपों का अध्ययन डिटेल में पढ़ लिया था किंतु उनके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि अनेक वाक्य में फ्यूचर प्रकट फ्यूचर टाइम प्रकट होने के लिए सिंपल प्रेजेंट प्रजेंट टेंस या कुछ अन्य स्ट्रक्चर का भी प्रयोग किया जा सकता है इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं पाँच बजे सायंकाल मैं मैच पाँच बजे सायंकाल आरंभ होगा ये देखिए तुरंत होना है निर्धारित है और प्रारंभ होगा फ्यूचर टाइम में बता रहा है फ्यूचर टाइम भले बता रहा है लेकिन इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट डिफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जैसे मैच पाँच बजे सायंकाल प्रारंभ होगा द मैच बिगिंस एट फाइव पी एम क्या द मैच बिगिंस एट फाइव पी एम उसको हम लोग चाहें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी चेंज कर सकते हैं द मैच इज़ गोइंग टू बिगिन एट फाइव पी एम ठीक है ना जैसे दूसरा एग्जाम्पल है विद्यालय का अवकाश अगले सप्ताह प्रारंभ होगा द स्कूल हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट डे क्या द स्कूल हॉलीडेज बिगिन नेक्स्ट वीक उसी को हम लोग चाहें तो कॉन्टिन्यूस में रख सकते हैं द स्कूल हॉलीडेज आर गोइंग टू बिगिन नेक्स्ट वीक समझ रहे हैं ना जिसे तीसरा एग्जाम्पल कहता है मैं नए मकान में अगले सोमवार को चला जाऊंगा आई शिफ्ट टू न्यू हाउस ऑन नेक्स्ट मंथ या इसको हम कॉन्टीन्यूअस में रख सकते हैं आई एम शिफ्टिंग टू न्यू हाउस ऑन नेक्स्ट मंथ उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए वह कल हमें पांच सितारा होटल में दावत देगा ही इज गिविंग एस अ पार्टी इन अ फाइव स्टार होटल चुमारो या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ही इज़ गोइंग टू गिव अस अ पार्टी इन अ फाइव स्टार होटल चुमारो तो ठीक है तो इस प्रकार से हमने जाना अभी कैसे फ्यूचर टेंस या हिंदी में गागी गे होने पर भी उसको जो हम लोग बोलेंगे उसका उच्चारण करेंगे या उसको ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार से हम लोग उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में रखते हैं कुछ इसके नियम जान लेते हैं जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जब गागी गे आता है तो फ्यूचर टेंस में चेंज करते हैं लेकिन यहाँ पर हमें जाना कि कैसे कुछ अपवाद भी होते हैं हर टेंस के हर नियम के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं तो उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी यह अपवाद है ठीक है ना तो तो उदाहरणों में हमने देखा कि हिंदी वाक्यों में अंत में गागी गे लगा हुआ था किंतु इनके अंग्रेजी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाई गई है याद रखना है विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें जो कार्य सुनियोजित भावी कार्यक्रम जो पहले से सुनिश्चित किए गए हैं किंतु निकट भविष्य में होने वाले हों याद रखिएगा सुनिश्चित भावी कार्यक्रम जो पहले से निश्चित हैं हो किंतु निकट भविष्य में होने वाले हों उनको प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनना है इसके स्ट्रक्चर के लिए आप वर्ब बी के साथ वर्ब की गोइंग टू का प्रयोग कर सकते हैं वर्ब बी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे ठीक है ना अब देखिए जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ जाना है कैसे हम लोगों ने गोइंग टू ही इज गोइंग टू रीड ही इज़ गोइंग टू स्लीप करके हमने वो पढ़ेगा इस प्रकार से बना सकते हैं किंतु तो जिस कार्य की दूर भविष्य या डिस्टेंस फ्यूचर में होने की संभावना हो उन्हें केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाते हैं जो कार्य अभी भी तुरंत होने की संभावना हो निर्धारित समय में होने की संभावना है उसे हम लोग चाहे तो प्रेजेंट डिफिनिट में बना सकते हैं या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं लेकिन जो कार्य फ्यूचर में निर्धारित समय या अनिर्धारित समय पर होना है उसको हम लोग केवल और केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बनाते हैं जैसे इज गोइंग टू शिमला टूमोर फ्यूचर की बात है कि नियर फ्यूचर में जल्दी भविष्य में संपन्न होगा कि हम शिमला जाएंगे लेकिन डिस्टेंस इसी इसी फ्यूचर की बात कर रहा है और जहां पर डिस्टेंस फ्यूचर की बात करेगा वहां पर हम लोग क्या करते है? बनाते हैं केवल प्रेजेंट इंडिफिनेक्स्ट मंथ तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे हम फ्यूचर टेंस को भी प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि वर्ब्स नॉट यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस होते हुए भी हम लोग उसमें वर्ब इज़ एम आर या वासवर का प्रयोग नहीं करते हैं उसके क्या अपवाद हैं और क्या नियम है ट्रांसलेट कर करने के नेक्स्ट के क्लास में हम लोग इसको जानेंगे सो गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद